बीएसपी अध्यक्ष का कुमाऊं दौरा। आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश गौतम ने आज अपने कुमाऊं दौरे के दौरान काशीपुर पहुंचते हुए कार्यकर्ताओं को आगामी 2022 को लेकर जरूरी टिप्स साझा किए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष का बीएसपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश गौतम ने कहा कि अपने कुमाऊं दौरे के दौरान वह आगामी 2022 चुनाव में कार्यकर्ताओं को तैयार कर मजबूत करने को भ्रमण कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया को बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी और आने वाली सरकारी उत्तराखंड प्रदेश में बीएसपी के दमखम के बिना नहीं बनेगी। 2022 को लेकर भाईचारे के बेस पर हम जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती चाहती हैं, सबको साथ लेकर सरकार बनाने का हम प्रयास करेंगे, काम करेंगे। वहाँ पर रिजल्ट अच्छे आए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से सब लोग दुखी हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत दयनीय है क्योंकि ना तो जितने उन्होंने वादे किए कोई वादा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी, माननीय योगीराज जी, आदित्यनाथ जी, उन्होंने कोई पूरा नहीं किया और आज जनता बहुत त्राही त्राही कर रही है। तो इसलिए वहाँ भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत ख़राब है। आपने जिस तरीके से बात रखी कि भारतीय जनता पार्टी थे, लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रीय मुद्दा हो, चाहे वो किसान बिल को लेकर के हो या और मुद्दे हों, उसमें बहन जी की चुप्पी कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही है। क्या भैया, आप कौन सी बात कर रहे हो, कहाँ हो आप, कौन सी दुनिया में हो? सबसे पहले बहन जी बोलती है ट्वीट के द्वारा, खाली ट्वीट के द्वारा। हाँ, ट्वीट के द्वारा ही बोलती है बहन जी। है आप ऐसा है, मैं आपको, आप अपना नंबर दो, मैं आपको बहन जी के सारे ट्वीट भेजूंगा और बहन जी ने पीसी की है मीडिया के, मीडिया में आकर क्या वो भी मैं आपको भेज दूंगा। क्या माना जाए कि सोशल मीडिया तक सीमित करके रह गई है बीएचपी अब? नहीं, सोशल मीडिया तक क्यों, आप क्या चाहते हैं बहन जी सड़कों पर आए? अरे राष्ट्रीय नेता है तो राष्ट्रीय नेताओं को, नहीं हम लोग अपने काम सब लोगों से मिलकर घर घर, ये जो हम काम कर रहे हैं ना अंदर खाने, घर घर जाकर सब लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। हम कानून को मानने वाले हैं और कानून को हाथ नहीं लेते। अच्छा, बीएसपी जो प्रदेश नेता हैं या और जिले के नेता हैं या और राष्ट्रीय के नेता हैं, बहन जी को छोड़िए, वो लोग सड़कों पर कहाँ हैं? ये नहीं, बहन जी के आदेश अगर होंगे तो आपको पता है आपको, बहन जी हम बहन जी के आदेश से सब काम करते हैं। यानी कि इस मुद्दों पर बहन जी का आदेश नहीं है अभी? नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, आप उसे मुद्दा मानते हैं ना जो सड़कों पर आकर हंगामेबाजी करते हैं, उसे आप लोग मुद्दा मानते हैं। हम लोग कानून को हाथ में नहीं लेते। बाबा साहब ने हमें इतना बड़ा अधिकार दिया, माननीय काशीराम साहब ने इतनी बड़ी पार्टी खड़ी की, कहीं आंदोलन करे उन्होंने सड़कों पर आकर। बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है और मिशन के तहत ही हम लोग काम कर रहे हैं। हाथरस मामले पर क्या कहना चाहेंगे सर? जिस हाथरस मामला